और इस वक्त देखिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से इला हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से सूरज ओझा, कुआ से रौनक कुकड़े और छत्तीसगढ़ के जांजगीर से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। सबसे पहले इला, मैं आपके पास आऊँगा, दिल्ली का हाल इस वक्त क्या है, ताज़ा अपडेट वैक्सीनेशन को लेकर भी, कोरोना के मामलों को लेकर के भी, और अभी जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। जी आदर्श, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, दिल्ली वालों को यहाँ राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 8,500 नए केसेस आए हैं, जो पिछले कई दिनों से के मुकाबले कम है, यानी कि जो 10,000 का आंकड़ा था वो कम हुआ है। तो एक जो राहत बड़ी बात है वो यही है। और इस समय मैं मौजूद हूँ अस्थायी अस्पताल के बाहर, जो रामलीला मैदान में प्रसिद्ध बनाया गया है, और मैं आपको इस तरफ तस्वीरों से दिखाना चाहूँगी। ये 500 ICU बेड जो है अस्पताल तैयार किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा और लोक जननायक अस्पताल के द्वारा, और यहाँ पर जो है ICU लेस बेड जो है उपलब्ध होंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले कई दिनों से जो है मारामारी चल रही थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे वो ICU बेड को लेकर के हो, ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था कि यहाँ पर 500 ICU बेड बनाएंगे, जिसमें कल शाम से 250 ICU बेड जो है वो चालू हो चुके हैं, और जो है अगले दो दिन में 250 और ICU बेड यहाँ पर चालू हो जाएंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन के प्लांट भी लग चुके हैं अब, और इनमें से एक ऑक्सीजन के प्लांट में पूरा ऑक्सीजन भर चुका है, जिससे यहाँ पर सप्लाई होना शुरू हो चुका है। सुबह से करीबन 7 से 10 मरीज भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं, और लगातार जो है किल्लतें आ रही थी जो ऑक्सीजन और ICU बेड की, उससे राहत मिलती हुई यहाँ पर नज़र लोगों आ रही है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, ऐसे ही एक जो है ICU बेड से लैस अस्पताल जो है GTB अस्पताल के सामने भी बनाया गया है, तो यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज़ होगी। तो एक राहत भरी खबर ये है, क्योंकि गंभीर जो हालात वाले लोग मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो ऐसे में ये एक राहत की खबर यहाँ पर मिल रही है दिल्ली वालों को। जी लाप रहे हमारे साथ, सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ, और वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है प्रदेश में, जरा वो भी बताइए। आदर्श, महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो जो डेटा है कल का कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का, वो 40,000 से कम है, जिसे जो अब तक जो जब से सेकेंड वेव आई है तब से लेकर सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है। साथ ही मुंबई में भी 2,000 से कम पेशेंट्स कल के दिन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि पेशेंट्स कम आ रहे हैं। ऐसे में अब BMC का पूरा फोकस ये है कि वैक्सीन ड्राइव को और इंटेंसीफाई किया जाए, और लोगों को भी ये जो तीन चीज़ें हैं, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, पालन करने की बात की जाए। मैं इस वक्त BKC के जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। पूरी तैयारी है फिलहाल, जो जिस तरह के साइक्लोन की स्थिति है मुंबई में और बाकी की चीज़ें, इन सबको देखते हुए आज और कल ये दो दिन यहाँ पे वैक्सीन की ड्राइव नहीं होगी, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसको और एक्सपांड किया जा रहा है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई किए जा सके, लोग आ सके यहाँ पर। आपको मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि बरसात का मौसम ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही है कि 20 तारीख के बाद से करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र को दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि हर एक जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी वैक्सीन काफ़ी मात्रा में आएंगी, और जिस वजह से लोगों की भीड़ भी बढ़ना शुरू होगी। लेकिन जो कोविड के नियम हैं उनका पालन कराना बहुत ही अनिवार्य है, इन सबको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और फिलहाल BMC ने एक किया है कि जो अगल बगल वैक्सीन सेंटर के अगल बगल जितने पेड़ हैं उनको ट्रिम करने की बात की है, ताकि अगर जिस तरह से साइक्लोन की बात कर रहे हैं कि कल को अगर वो तेज़ी से आता है तो किसी भी तरह का पेड़ कहीं गिरे नहीं, जिससे जो सेंटर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो। जी आदर्श। जी सूरज, आप रहे हमारे साथ, ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जांजगीर से छत्तीसगढ़ के। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ का स्टेटस क्या है अभी, मामलों को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार लड़ाई हमारी जारी है, वैक्सीन की स्थिति क्या है? आदर्श, वैक्सीन की स्थिति पर मैं आऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी राहत भरी खबर है। 10,000 से कम 7,000 की संख्या में कोरोना केस आए हैं, और 200 से कम लोगों की मौत हुई है, 100
70 के आसपास आंकड़ा है, और वो इसलिए राहत मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार पिछले 10-15 दिनों से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी। और जांजगीर के एक गांव में बनिहाल में हूँ मैं, और यहाँ स्थिति थोड़ी ख़राब है। रायपुर और दुर्ग को तो कंट्रोल किया है प्रशासन और सरकार ने। देखिए गाँव की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ आपको। गाँव में इसी तरह से आपको दरवाजे बंद मिलेंगे, आपको कोई भी नहीं मिलेगा घर के बाहर, क्योंकि जांजगीर के गांव-गांव में कोरोना है। और दिक्कत इस तरह से है, इस तरफ भी गांव में दिखाइए दुर्गेश, इधर भी सारे दरवाजे बंद हैं। और दिक्कत यह है कि जांजगीर में बेड की कमी है, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। ये बनिहाल गाँव है, यहाँ के सरपंच खुद संक्रमित हो गए थे। और वैक्सीन को लेकर क्या दिक्कत है, बेड को लेकर क्या दिक्कत है, ये गाँव के एक जागरूक नागरिक हैं मेरे पास, इनसे मैं बात करता हूँ। ये बताइए कि दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ गाँवों में कोरोना है और डर है, सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही? कोरोना तो है, सुविधा तो मिल रही है लेकिन पूरी तरह नहीं मिल रही है। जैसे दवाई दे देते हैं उसके बाद अपने जैसे सिरप उरप का है तो बोलते हैं कि मार्केट से खरीदो, है ना, सिरप वगैरह नहीं दे। हमारे यहाँ मेरे घर में एक रिलेटिव को हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 7 दिन का दवाई खाया, दोबारा हम गए तो उसके बाद जैसे विटामिन सी वगैरह की दवाई है तो बोले वो मार्केट से खरीद लो। अब क्या है, गाँव का आदमी इतना पैसा है नहीं, कौन है ना फाइनेंशियल जो है, तो वो अब मार्केट से खरीदना भी इतना कॉस्टली पड़ता है। स्तर है गंभीर मरीज जो जा रहे हैं, बेड है कि वो कह रहे हैं कि गाँव में ही रहिए इलाज करिए, दिक्कत घर में इलाज, बेड नहीं है, बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है आपका, आप घर में ले जाइए और दवाई खाइए घर पर। कह रहे हैं अस्पताल में रहना ठीक नहीं है? हाँ अस्पताल में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा संक्रमित बहुत ज़्यादा लोग हैं और बेड की कमी है, आप सीधा घर ले जाइए, घर में लेके इसको इलाज करिए, किसी से बात ना करें, किसी से मिले नहीं, बस। अच्छा ये बताइए कि गांव के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? वैक्सीन में ऐसा है सर कि जो कोई शील्ड है लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुद को लगा हुआ है पहला वाला, मैं लगवा चुका हूँ पहला जो है, सेकंड डोज का वेट कर रहा हूँ। लेकिन सर क्या है कि कोवैक्सीन के ऊपर लोगों का 2-4 घटनाएं घटी है जैसे बताते हैं, तो वो लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोवैक्सीन पे नहीं लगवाएंगे बोलते हैं, इसमें आदमी मर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। देखिए आदर्श दिक्कत ये है कि गाँव में प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि गांव के लोगों को समझाए, लेकिन गांव में वैक्सीन, एक तो वैक्सीन की कमी है, राज्य सरकार परेशान है कि किसी तरह वैक्सीन की आपूर्ति हो, एपीएल बीपीएल का जो पहले से ही अलग अलग बांट दिया गया है छत्तीसगढ़ में, कई जगह चस्पा लगा है वोट की, एपीएल के लिए नहीं है, फ्रंट लाइन के लिए नहीं है, और दलील यही है कि वैक्सीन आ नहीं रही है तो कहाँ से लगाएं। तो कुल मिलाकर जो शहरों से अब गाँव में कोरोना शिफ्ट हो रहा है उसको देखते हुए न केवल गाँव वाले बल्कि प्रशासन भी चिंतित है कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है और गांव में संक्रमण बढ़ता है, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि शहर में ये कहा जा रहा है, जिला मुख्यालय में ये कहा जा रहा है कि बेड ही नहीं है, तो ऐसे में परेशानी और बढ़ सकती है। फिलहाल गांव की तस्वीर देखिए, ये चूंकि मैं गांव वाकई में गांव में जो हालात है वो चिंता बढ़ाने वाले हैं ज्ञानेंद्र, और इसीलिए चेहरे मास्क है, कुछ सबका फोकस इस वक्त गाँव की तरफ होना बहुत जरूरी है, राज्यों का, प्रशासन का, सबका फोकस गांव की तरफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं और गांव में अभी भी कोशिश जरूर हो रही है लेकिन ठीक तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको गोवा का हाल बताएंगे और गोवा लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े के पाई जाए, वो तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीच गोवा से बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला थम नहीं रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कल रात 8 और लोगों की मौत की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। विपक्षी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा है कि बीती रात भी 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा बात करते हैं गोवा में मौजूद हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े से। रौनक पूरा अपडेट क्या है? जी देखिए आदर्श, जो जानकारी फिलहाल, एक बड़ा आरोप विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड के नेता है और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनका साफ तौर पर कहना है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात को भी 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मैं गोवा मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ और मुख्य तौर पर आपको बता दें कि गोवा के सरकारी अस्पताल में पिछले 5 दिनों में आदर्श 70 से ज़्यादा मरीजों की कोरोना की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन से जो आरोप विजय सरदेसाई लगा रहे हैं उस पर हमने बात करने की कोशिश की, उनका इस विषय पर फिलहाल वो जानकारी जो है वो नहीं दे रहे कि क्या ये मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या दूसरे कारणों की वजह से हुई है, ये फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही। हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो विश्वजीत राणे हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उनका कहना है कि वो एक मीटिंग में व्यस्त है और लिहाजा 12 बजे के बाद वो बात कर सकते हैं इस पूरे विषय पर। इस तरह की जानकारी जो है वो गोवा सरकार की ओर से दी गई है। आपको ये भी बता दूं आदर,
आदर्श की जिस तरह की ऑक्सीजन की कमी की स्थिति जो है गोवा में देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर आया है, उसको लेकर कल भगत सिंह कोश्यारी जिनके पास गोवा राज्य का एडिशनल चार्ज है गवर्नर के तौर पर, उन्होंने कल मुख्यमंत्री के साथ जो स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे उनके साथ बैठक की थी और तमाम तरह के निर्देश जो है वो गवर्नर की तरफ से भी गोवा सरकार को दिए गए हैं। जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उस तरह से कोविड मैनेजमेंट गोवा सरकार नहीं कर रही है, इसलिए आज इस तरह के हालात जो यहाँ पर पैदा होते हुए दिख रहे हैं। जी आदर्श, रौनक कमी कहाँ रह गई? पूरे देश में जो दिक्कतें थी उनको दूर करने की कोशिशें हो रही थी और आज कम से कम सब हमारे सारे सहयोगियों से बात करते हुए ये तो लग रहा है कि देश में हालात कुछ सुधर रहे हैं। दिक्कतें जरूर हैं लेकिन कुछ सुधर रहे हैं, मामलों में कमी आ रही है, एक पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है, लेकिन गोवा में उल्टा और हालात खराब हो रहे हैं। जी देखिए, कमी कहाँ रहेगी इसका जवाब ये है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो लच्छर रवैया अपना रही है। आपको बता दें आदर्श, बॉम्बे हाईकोर्ट में जिस तरह से यहाँ पर गोवा के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई, उसकी सुनवाई के दौरान जो गोवा सरकार की तरफ से तर्क दिया गया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। उनका साफ तौर पर कहना था कि ऑक्सीजन का जो ट्रक यहाँ पर पहुँचता है उसको उतारने के लिए जो ट्रेंड ड्राइवर की ज़रूरत होती है वो सरकार के पास नहीं, इसलिए इस तरह की दिक्कत हो गई और मरीजों की मौत हो गई। ये बहुत ही हल्का बयान जो है वो सरकार की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया गया है। सरकार को गंभीरता से इस पूरे कोविड मैनेजमेंट को लेने की ज़रूरत है, नहीं तो निश्चित तौर पर जो गोवा के लोग हैं उन्हें सरकार को सबक सिखाना होगा। इस तरह की परिस्थिति जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी आदर्श जी, रौनक नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े थे, पूरी जानकारी दे रहे थे और हमारे अलग अलग सहयोगी भी इला और इसके अलावा सूरज ओझा और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग राज्यों से पूरी जानकारी दे रहे थे और लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।